कोरोना महामारी के मद्देनजर चीन ते प्रभावित देशों के कर्ज नूं खत्म करने लई दबाव बनाया जा रहा है। जी हाँ, कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रभावित देशों के कर्ज नूं खत्म करने लई चोटी के अर्थचारियां दरमियान हुए समझौते तहत गरीब देशों के कर्जे दियां किश्तां मुआफ करने लई चीन ते दबाव वधाया गया। एक स्थानक अखबार ने इस बारे एक खबर प्रकाशित की है। जी हाँ, हांगकांग स्थित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार विश्व बैंक के प्रधान डेविड मालपास ने चीन तो अजिहे गरीब देशों के कर्जे दियां किश्तां मुआफ करने लई मांग की है। मालपास ने दोष लगाया कि चीन के सरकारी बैंक च पैसा होने के बावजूद भी वह G20 के कर्ज किश्तों च राहत देने की पहलकदमी में पूरी तरह हिस्सा नहीं ले रहा। मालपास ने फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन प्रोग्राम नूं संबोधन करदिया कहा, उन्होंने कहा कि एक वाधू कारक यह है कि कर्जे की मौजूदा लहर दौरान नवे सरकारी बैंकां खास करके चीन दे कई पूंजीगत बैंकां दी गिनती विच तेजी नाल वाधा कीता गया। मालपास ने कहा है कि चीन ने अपने पोर्टफोलियो दा नाटकी ढंग नाल विस्तार कीता है, पर ओ कर्जे दे पुनर्गठन प्रक्रिया विच पूरी तरह हिस्सा नहीं ले रहा। G20 देशां दे वित्त मंत्री, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF अते विश्व बैंक दे 15 अप्रैल नूं होई ऑनलाइन गर्मियां दी बैठक विच मौजूदा स्थिति नूं ध्यान विच रखदिआं 70 गरीब देशों के कर्जे दियां किश्तां नूं कुछ समय लई मुआफ करन ते सहमति दित्ती सी। DSSI दे तहत 1 मई तो 2020 दे अंत तक चुकाई जाण वाली 12 अरब डॉलर दी किश्तां दा भुगतान करन दा समां मुलतवी वी कर दिता गया। चीन दे सरकारी मीडिया दे एक लेख अनुसार 100 तो भी ज्यादा घट आमदनी वाले अते मध आमदनी वाले देशां नूं 2020 विच अजे भी 130 बिलियन डॉलर दियां किश्तां दे भुगतान करने पैणगे। चीन सब तो वड्डा दुवल्ली ऋणदाता है, क्योंकि वह अपने अभिलाषी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अधीन सैकड़े प्रोजेक्टां लई कर्जा वंड रहा है। ते अजिहे विच वर्ल्ड बैंक वालों यह फैसला लिया गया है कि वह इन्हां देशां दे कर्जियां दी किश्तां नूं मुआफ करे। होर ताज़ा तरीन अपडेट्स दे लई तुसी देखते रहो D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।